आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का नरेशन पढ़ेंगे और बच्चों बिल्कुल विश्वास रखिएगा, हम आपको नरेशन एकदम अच्छे से सिखा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको नरेशन में। आप एक एक बात जो है आप समझ जाएंगे नरेशन में और नरेशन में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो चलिए बात करते हैं नरेशन की, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ग्रामर का, जो बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ जनरल कंपटीशन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नरेशन। तो सबसे पहले नरेशन की बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो नरेशन होता क्या है इसको देखते हैं। तो क्या होता है बच्चों नरेशन? तो बच्चों ये जो नरेशन है इसका हिंदी होता है कथन, स्टेटमेंट या स्पीच आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको स्पीच भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बच्चों? स्पीच भी कहा जाता है। और इस तरह से नरेशन के दो भाग होते हैं, यानी कि ये दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है बच्चों, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसको समझेंगे बच्चों। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसे क्या होता है ना कि एक व्यक्ति है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति बी को कुछ कह रहा है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति बी को जो भी कुछ कह रहा है वो किसी तीसरे व्यक्ति सी की कही गई बातें हैं, किसी तीसरे व्यक्ति सी की कही गई बातें। मान लीजिए यानी कि सी ने कोई बात कही, ठीक है, उसे सुना ए ने और ए ने बी को कहा, और लेकिन जब ए बी को कहेगा सी की बातें और जैसे सी ने कहा था सेम टू सेम, अगर वैसे ये बात बी तक पहुंचती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी कि किसी भी वक्ता के द्वारा कही गई बातें जैसे है वैसे ही सेम टू सेम, उसमें कोई भी बदलाव ना किया गया हो और वो किसी श्रोता तक पहुंचती है, ठीक है बच्चों, किसी श्रोता तक पहुंचती है जैसे है वैसे ही, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सेम टू सेम उसी के शब्दों में अगर पहुंचे, ठीक है, तो हम कहते हैं उसको डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या है बच्चों, जरा समझिएगा, यानी कि ये जो वक्ता सी है इसने कोई बात कही, उसको सुना ए ने, ये भी श्रोता है, तो इसने सुना और इसने सुनने के बाद दूसरे श्रोता बी को कहा, क्या कहा, ये श्रोता, ये भी श्रोता ही है, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो ये भी श्रोता है, तो ये ए ने सुना बी की, जो मतलब सी ने कुछ बात कही थी उस बात को ए ने सुना, और यह ए अब इन बातों को बी को बता रहा है, लेकिन बी को कैसे बता रहा है, तो अपने शब्दों में, यानी कि वक्ता के द्वारा जो बातें कही गई थी अब वह सेम टू सेम वैसी नहीं है, उसने कुछ फेर बदल किए अपने अनुसार और अपने शब्दों में क्या कहा, अपनी बात को जो है, यानी कि वक्ता सी की बात को अपने शब्दों में श्रोता बी तक पहुंचाया, किसने, ए ने, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, कथन होती है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे हम आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि वक्ता की कही गई बातों में अगर बदलाव ना हुआ हो तो वो डायरेक्ट स्पीच है, अगर वक्ता की कही गई बात में थोड़ा बहुत या कुछ भी बदलाव किया गया हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। अब जब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की, तो डायरेक्ट स्पीच के फिर से दो पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। ये दो तरह के, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच भी कितने तरह के, दो तरह के, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच अब क्या होता है, तो देखिए बच्चों कि डायरेक्ट स्पीच में जो भी बातें कही जाती हैं वह किस में होती हैं, इन्वर्टेड कॉमा में होती हैं। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में कही गई बातें किसके अंतर्गत होती हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती हैं, ठीक है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती हैं। तो डायरेक्ट कही बातों में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट जो है, बाहर वाला पार्ट ये आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो इंट्रोडक्शन था नरेशन का, ठीक है, ये नरेशन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को जो सीखना है वो क्या सीखना है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, रूपांतरण सीखना है। क्या सीखना है हम लोग को, ट्रांसफॉर्मेशन किसका, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, और फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, यानी कि दोनों तरीके से सीखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, दोनों तरीके से सीखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, और देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस ध्यान देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, एक एक पार्ट आपको हम बताते चलेंगे, और आपको बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बिल्कुल आसानी से सिखा देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। बच्चों बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे क्या, मोहन सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस नरेशन का कौन सा पैटर्न है, ये पहले आपको जानना है। तो देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में है ना, देखिए इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ये ना, ये इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस है ये, तो ये जो है कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों, ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या है, डायरेक्ट, यानी कि पूरा सेंटेंस डायरेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये पूरा क्या है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसमें क्या है बच्चों कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर हम आपसे पूछे कौन सा पार्ट है, तो देखिए ये यहां से यहां तक का पार्ट जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का है, और ये वाला पार्ट अगर आप देखें बच्चों, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है। ठीक है, तो अब बताइए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये रिपोर्टिंग स्पीच है बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच, और
ये वाला पार्ट यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है वह पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो वर्ब होता है ना बच्चों, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये इंट्रोडक्शन हो गया डायरेक्ट स्पीच का। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को आप पहचान लेंगे अब कि डायरेक्ट स्पीच कैसा होता है और उसमें कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी को अगर हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिखे तो कैसे, ऐसे है वैसे ही? नहीं बच्चों, इसका अगर हम इनडायरेक्ट देखें तो क्या होगा? इसका इनडायरेक्ट होगा मोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए बच्चों, गोइंग टू स्कूल, तो देखिए ये जो बच्चों आप संदेश देख रहे हो ना, इसमें कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और देखिए इसमें आपको क्या देखना है इनडायरेक्ट स्पीच में, कि इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। देखिए यहीं पर ये क्या है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेड टू, और इसमें क्या है मोहन के बाद आ गया टोल्ड। ठीक है बच्चों, मोहन के बाद क्या आ गया यहाँ पे? मोहन के बाद आ चुका है यहाँ पे टोल्ड, ये बदलाव हुआ। मी जैसे था वैसे ही है, इनवर्टेड कॉमा यहाँ से गायब हो गया और इसके बदले क्या आ गया? दैट आ गया। और यहाँ पे आई था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों क्या था यहाँ पे, यहाँ पे आई था लेकिन यहाँ पे ही हो गया, यहाँ पे एम था, यहाँ पे वाज हो गया, यहाँ पे बाकी सब चीजें ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लास्ट से भी हट गया। तो देखिए इतनी चीजों में अंतर आया, यहाँ पे अंतर आया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यानी कि जो बात हमने डायरेक्ट में कही थी उसको इनडायरेक्ट में कहने के लिए बातें दोनों अलग नहीं है, बातें दोनों सेम है। यहाँ पर भी बात हो रही है मोहन की और मोहन मुझे कुछ कह रहा है, और वो क्या कह रहा है? वो अपने स्कूल जाने की बात कर रहा है। वहीं पर यहाँ भी मोहन है, वह मुझसे ही कुछ कह रहा है, और वह क्या कह रहा है? अपने स्कूल जाने की ही बात को कह रहा है। तो दोनों जगह बातें सेम है, अर्थ सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहने के तरीके बदल गए। तो बस यही हमें सीखना है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एक एक बातों को देखते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कि ये बदलाव आखिर हुआ कैसे। अभी हमने सिर्फ बदल दिया है, लेकिन ये बदला कैसे, ये हमारे बदलने से नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। और आपको सिखाएगा कौन? तो बच्चों हम सिखाएंगे आपको एक एक बात। आप देखिएगा बहुत ही आसानी से आप ये कन्वर्जन कर पाएंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। बच्चों बिल्कुल देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमसे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कैसे ये बदलना है हमें वो जानेंगे अब हम लोग। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे। तो देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो देखिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बच्चों सबसे पहले तीन जनरल रूल है। ठीक है, जनरल रूल है तीन, तो उन तीन जनरल रूल को हम लोग देखते हैं, जनरल रूल। ठीक है, वो तीन जनरल रूल जो है वो क्या है वो देखते हैं। नंबर एक जो है पहला रूल, वो चेंज ऑफ पर्सन का है बच्चों। किसका है? चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, और दूसरा रूल है चेंज ऑफ टेंस का बच्चों, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा रूल है बच्चों किसका? तो तीसरा रूल है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच।
चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये तीन जनरल रूल हैं बच्चों। ये जनरल रूल क्यों है? क्योंकि ये किसी भी तरह के सेंटेंस में लागू हो जाते हैं अगर इनकी शर्त जो होती है वो फुलफिल होती है तब, ठीक है, किसी भी तरह के सेंटेंस में लागू हो जाते हैं। और कुछ जो है रूल ऐसे हैं जो अलग अलग सेंटेंसों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं बच्चों, ठीक है। क्या सेंटेंस एक ही तरह का होता है? तो नहीं बच्चों, सेंटेंस जो है, ठीक है, तो सेंटेंस जो है बच्चों कितने तरह के होते हैं? चार तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। सॉरी, सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं बच्चों? तो सेंटेंस चार तरह के होते हैं, सॉरी पांच तरह के सेंटेंस, पांच तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक असर्टिव सेंटेंस, नंबर दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर तीन इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर चार ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और नंबर पांच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सेंटेंस पांच तरह के हो गए। तो देखिए कुछ रूल्स जो हैं इन अलग अलग सेंटेंसों के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम इन तीन रूल की बात करें, ये जो तीन रूल हम लोग देख रहे हैं, ये तीनों रूल जो हैं इन सभी सेंटेंसों के लिए कैसे हैं? एक जैसे हैं बच्चों, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जनरल रूल कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ये जनरल रूल यानी कि चेंज ऑफ पर्सन का रूल, चेंज ऑफ टेंस का रूल और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का रूल असर्टिव में भी लागू हो जाता है, इंट्रोगेटिव में भी, इंपरेटिव में भी, ऑब्जेक्टिव में भी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी लागू हो जाता है। लेकिन कुछ रूल नरेशन में ऐसे हैं जो सिर्फ असर्टिव के लिए होते हैं, कुछ रूल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव के लिए होते हैं, कुछ रूल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंपरेटिव के लिए होते हैं, कुछ रूल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं, कुछ रूल सिर्फ एक्सक्लेमेटरी के लिए होते हैं बच्चों। तो हमें आज वही जानना है कि कौन सा जनरल रूल है जो सबके लिए लागू होता है और कौन सा ऐसा रूल है जो सिर्फ असर्टिव में काम आएगा, सिर्फ इंट्रोगेटिव में काम आएगा, सिर्फ इंपरेटिव में आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी में काम आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको देखेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? चेंज ऑफ पर्सन का रूल, इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन का रूल देखते हैं क्या है और फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लोग देख रहे थे चेंज ऑफ पर्सन का रूल क्या है। तो देखिए सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन में हम जानेंगे, देखिए कैसे ये बदलाव बदलता है। डायरेक्ट लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ लिखेंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा और इनडायरेक्ट में क्या होगा वो जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। सेकेंड पर्सन इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी हटा देते हैं, क्या बदलाव होंगे वो खाली देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है बच्चों।
थर्ड पर्सन नो चेंज। अब क्या है इसका मतलब, देखिएगा जरा। देखिए अब हमको ये बात करनी है भाई, क्या है फर्स्ट पर्सन, क्या है सेकंड पर्सन और क्या है थर्ड पर्सन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो देखिए बच्चों, सिंपली आपको याद रखना है आई और वी ये दो फर्स्ट पर्सन है, यू ये आपका सेकेंड पर्सन है, बाकी जो बचा वो सब थर्ड पर्सन है। बाकी जितने भी बचे हैं, जो भी रेस्ट बचे हुए हैं, जो भी शेष हैं, वो सब क्या है, वो सब जो है थर्ड पर्सन है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन जो भी आई वी यू के अलावा जो भी बचे वो सब थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा बच्चों। तो देखिए जरा जो ये बात कहा जा रहा है, अब बात यह आती है कि फर्स्ट पर्सन किसका, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो कैसे, तो ये जानेंगे अब हम लोग, तो कैसे ये बदलता है। तो इसके लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, क्या वन टू थ्री और एस ओ एन, ठीक है, तो वन टू थ्री एस ओ एन यानी कि सन, वन टू थ्री सन यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बस आपको पहले याद रखना है कि कौन किसके अनुसार बदलेगा, और जब आपको ये बात याद रहती है तो देखिए कि हम लोग आखिर फर्स्ट पर्सन किसका होना चाहिए और सब्जेक्ट के अनुसार बदलने के बाद होगा क्या और सब्जेक्ट किसका होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की, तो इस डायरेक्ट स्पीच में आप जानते हैं कि दो पार्ट है, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और एक है रिपोर्टेड स्पीच, है ना बच्चों, एक है रिपोर्टेड स्पीच। तो अक्सर कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि हमें पर्सन किसका देखना है और सब्जेक्ट किसका देखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बिल्कुल एकदम आसान है, पहले तो रिपोर्टिंग स्पीच आपको याद रहना चाहिए ये क्या है और रिपोर्टेड स्पीच ये क्या है। तो देखिए कौन है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि दो पार्ट है, एक ये और दूसरा ये। तो देखिए ये बाहर वाला पार्ट है, किसके बाहर वाला, तो समझ गए होंगे, बाहर बोला आपने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो ये है अंदर वाला, किसके अंदर वाला, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम जब भी बोलेंगे तो हम बाहर और अंदर बोलेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें बनाना सीखना है, हम रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ये बार बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों। ठीक है, हमें नहीं, आप लोगों को बहुत आते से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बाहर और अंदर की जब हम बात करेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो तो सेंटेंस में हमें दिख रहा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अंदर और बाहर करके बोलेंगे। तो अब देखिए, जब हम कहें कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसका देखना है हमें, तो अंदर वाले सेंटेंस का, यानी कि ये सारा पार्ट जो हमको देखना है वो किसका देखना है, अंदर वाले सेंटेंस का देखना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ये सब्जेक्ट किसका देखना है बच्चों, ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है और ये ऑब्जेक्ट जो है हमको जो देखना है वो किसका देखना है, तो ये देखना है हमको बाहर वाले सेंटेंस का। ठीक है, बाहर वाले सेंटेंस का, ठीक है। तो अगर अंदर वाले सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, अगर अंदर वाला सेंटेंस सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, अगर अंदर वाला सेंटेंस थर्ड पर्सन है तो उसको हमें बाहर वाले के अनुसार बदलना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गई होगी आपको बात कि हमें बदलना किसको, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एग्जांपल देखिए। जैसे हमने लिखा, एक सेंटेंस पहली बार दिया था, फिर से लेते हैं, या एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम सेड, ठीक है, टू मी, ठीक है, आई
eat a mango. ठीक है, या एक थोड़ा सा अच्छा से आई एम ईटिंग अ मैंगो कर लेते हैं बच्चों. आई एम ईटिंग अ मैंगो. तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे राम नाम का कोई व्यक्ति है, ये मुझसे कह रहा है क्या कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, यानी कि आई यानी कि कौन, ये राम कह रहा है. राम ने मुझसे कहा कि मैं एक आम खा रहा हूँ, मैं नहीं राम खा रहा है. तो वो अपनी बात कर रहा है. ठीक है बच्चों, तो राम अपनी बात कर रहा है. तो अब हमें ये दिख रहा है, तो आप पहले देख के बताइए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है बच्चों. तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला ये सेंटेंस है पूरा. तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है. तो बच्चों डायरेक्ट है, ठीक है, और इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, तो हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. ठीक है बच्चों, तो देखिए इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो अभी हमने आपको सारे रूल्स नहीं बताए हैं, हमारा मेन टारगेट अभी कौन है, चेंज ऑफ पर्सन, हमें पर्सन सिर्फ देखना है. तो हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस पैटर्न हमने आपको बताया, अभी हम कुछ और नहीं सिर्फ एक चीज पर ध्यान देंगे. तो पहले अंदर वाले सेंटेंस को देखेंगे और उसका पर्सन डिसाइड करेंगे. तो अंदर वाला सेंटेंस कौन है, अंदर मतलब कौन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं. तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन है बच्चों, ये वाला पार्ट, सॉरी कौन सा है रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच का, क्योंकि ये अंदर का है, किसके अंदर का, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का. तो अंदर हमें देखना है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कौन, आई या वी. तो ये देखिए ये आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना बच्चों. तो ये आपको मिल गया फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट किसका, तो बाहर वाले का. तो बाहर वाला सेंटेंस कौन है बच्चों, ये है जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच, बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच. तो ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, और इसके सब्जेक्ट के अनुसार, इसका सब्जेक्ट कौन है, राम. तो राम है, तो राम के अनुसार ये आई बदल जाएगा, और बदल के क्या बन जाएगा, तो भाई राम, आई की जगह पर क्या आएगा, राम. लेकिन राम को हम नहीं लिखेंगे, राम के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो लेंगे, और राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही या सी, तो सी नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, ही होगा राम के लिए, क्योंकि राम मेल है ना, तो मेल के लिए ही होता है. सी किसके लिए होता है, फीमेल के लिए. तो चलिए, तो राम के लिए ही, तो ये ही हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब बाकी चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान देना कि ये क्या हो जाएगा, ये आई जो है बदल के क्या बन जाएगा बच्चों, ही बन जाएगा. चलिए, तो समझ गए कैसे हमें देखना है, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल क्लियर कर दिया हमने. ठीक है, चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं. चलिए ठीक है बच्चों, तो इसको देख लीजिए, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो इसमें, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन तक जितनी बातें हमने की हैं, उतनी बातों में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको इसमें यहाँ तक जो हमने बात बताई इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में ना आई हो. और दूसरी बात, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, और हम लोग जो है चेंज ऑफ पर्सन एक रूल देख चुके हैं, बाकी जो बचे रूल्स हैं उनको अगली क्लास में देखेंगे. आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए, और अगली क्लास में आपको देखिए बाकी जो चीज़ें, बिल्कुल बच्चों मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक करके हम सारी बातें आपको सिखा देंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू.